हाँ मैं भी चौकीदार हूँ, हाँ मैं भी काम चोर हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज चक्र में, मैं अभिसार शर्मा। जी हाँ, जब चौकीदार देश की रक्षा करने में नाकाम हो जाए तो वो क्या करता है, वो जिम्मेदारी आपको सौंप देता है। जी हाँ, आपको चौकीदार बना देता है। ई है मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक, और गजब का मास्टर स्ट्रोक है। कैसे, याद है आपको, जब सालाना 2 करोड़ की नौकरियां ना दे पाए तो ये कह दो कि पकोड़ा बेचना भी रोजगार है। अगर आपके जी टीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकोड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? देख तेरे संसार की क्या हालत हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। शर्मा जी का लड़का आशुतोष डॉक्टर आशुतोष शर्मा नहीं बन पाया तो उसे क्या बना दिया आपने, चौकीदार आशुतोष शर्मा। हम तो बस इतना ही कहेंगे, वाह मोदी जी वाह। इस बड़ी पेशकश में हम आपको बताने वाले हैं कि मैं भी चौकीदार नहीं, चौकीदार बेबस है। जी हां, बेबस है। अब आपको इस मुहिम में शामिल करने के लिए यह कहा जाए कि अपनी जिम्मेदारी आपके कंधों पर डालने के लिए बाकायदा एक गाना बनाया गया है। अब उस गाने को हम तनिक ट्विस्ट कर रहे हैं। जी हां, शब्द इनके हैं, विचार हमारे हैं। जी हां, कैसे आप खुद देखिए ना। आप आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। ये देश ये मेरा वतन, ये मेरा घर मेरा चमन। ये देश ये मेरा वतन, ये मेरा घर मेरा चमन। सबका विकास चाहता और चाहता हूँ बस अमन। वो एक अकेला चल पड़ा, मैं उसकी ही कतार हूँ। वादा किया है खुद से अब कूड़ा नहीं फैलाऊंगा, के भ्रष्टाचार काले धन को जड़ से यूं मिटाऊंगा। मैं नए भारत की कल्पना से सहमत विचार हूँ। आज न्यूज चक्र में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए मास्टर स्ट्रोक मैं भी चौकीदार का पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। चौकीदार बेबस है, और शुरुआत हम करना चाहेंगे चौकीदार के तम से। याद है आपको, हाल ही में चाइना ने चौथी बार आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकवादी घोषित किए जाने पर रोक लगा दी। मगर क्या आपने मोदी मीडिया या गोदी मीडिया को चीनी माल को बॉयकॉट करने की जबरदस्त अपील करते देखा? क्या चीन के राजदूत को बुलाकर उन्हें समन करके खरी खोटी सुनाई गई? बात बात पर पाकिस्तान के साथ युद्ध की घोषणा करने वालों ने क्या चीन पर युद्ध की घोषणा की? जी नहीं, वो इसलिए दोस्तों क्योंकि ऐसा करने के लिए 56 इंच के सीने की जरूरत पड़ती है, और चुनावी रैलियों में 56 इंच के सीने की बात करना एक अलग बात है, असल जिंदगी में बिल्कुल अलग। चौकीदार कदम जानने के लिए इन बातों पर गौर कीजिए। डोकलाम में भारत और चीन की सेनाओं में तनाव पैदा होता है, मगर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त लाल आंख दिखाते हैं? नहीं, उसके बाद तुरंत भारत और चीन के बीच अनौपचारिक वुहान सम्मेलन हो जाता है। और जानते हैं क्यों होता है वुहान सम्मेलन? क्योंकि साल 2019 में मोदी जी नहीं चाहते कि चीन के साथ किसी भी तरह का कोई भी सैनिक टकराव हो जाए, क्योंकि अगर सैनिक टकराव हो गया तो जाहिर सी बात है 2019 के लोकसभा चुनावों पर इसका असर पड़ेगा। और जैसे कि जानते हैं आप कि हमारे चौकीदार जी जो भी कुछ करते हैं उनके जहन में सिर्फ सियासत और सिर्फ चुनाव होते हैं।
वैसे बहुत अजीब बात है ना, शुरुआत उन्होंने की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनके, फिर न जाने उन्होंने कैसे नेहरू से आइडिया बोरो करते हुए वो प्रधान सेवक बन गए, और अब 5 सालों बाद वो चौकीदार बन गए हैं। 5 सालों बाद चौकीदार, 5 सालों बाद देश की जो हालत हो गई उसके बाद आपको उसकी चौकीदारी करने की सुध आ रही है। और अब हम बात करते हैं चौकीदार के ईमान की, या ये कहा जाए चौकीदार की सजगता की। इन चेहरों पर गौर कीजिए। सबसे पहले ललित मोदी भारत से कब भागे, साल 2015 में। दूसरे महाशय आपके सामने विजय माल्या, भारत से कब भागे, 2016 में। और भागने से पहले ये अरुण जेटली के साथ एक रहस्यमय मुलाकात कर रहे थे संसद भवन में। अब इस तीसरे चेहरे पर गौर कीजिए, मेहुल चौकसी भारत से कब भागे, साल 2018 में। फिर इनके भाई टाइप नीरव मोदी, ये कब भागे, साल 2018 में। और मोदी जी सत्ता में कब आए, याद है ना आपको? तो क्या चौकीदार सजग है, क्या इन्हें वापस लाया गया, क्या चौकीदार ने अपनी जिम्मेदारी आप पर ला दी, क्या चौकीदार बेबस है? और यकीन मानिए दोस्तों, इस पूरे मुहिम में कॉमेडी की कोई भी कमी नहीं रही। सभी चौकीदार बन गए, चाहे अरुण जेटली हो, नितिन गडकरी हो, राजनाथ सिंह हो, योगी आदित्यनाथ हो, और बाद में काफी देर बाद सुषमा जी भी चौकीदार सुषमा स्वराज बन गई। मगर इसमें कॉमेडी कैसे हुई मैं आपको बताता हूं। यह है नीरव मोदी का पैरोडी अकाउंट। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पैरोडी अकाउंट को भी कहा कि आओ मेरी मुहिम के साथ जुड़ जाओ। बात यहां पर नहीं रुकती, और कीजिए इन महाशय पर। नाम है इनका बीएस येदुरप्पा। बीएस येदुरप्पा भी अब चौकीदार बीएस येदुरप्पा हैं। क्या मुझे आपको बताने की जरूरत है कि कुछ दिनों पहले किस तरह से कथित तौर पर करोड़ों रुपए देकर ये कांग्रेस और जेडीएस के विधायक खरीदने की कोशिश कर रहे थे। अब गौर कीजिएगा इन दूसरे महाशय मुकुल रॉय पर। जी हां, शारदा चिट फंड घोटाले में आरोपी हैं, मगर मोदी राज में ये भी चौकीदार बन गए। और बात यहां नहीं रुकती, एमजी अकबर जिन पर यौन उत्पीड़न के आरोप हैं, मीटू में एक गंभीर किरदार थे, वो भी पहले चौकीदार एमजी अकबर बन गए। मगर बाद में किसी ने समझाया कि भैया अकबर जी, आप चौकीदार हटा दीजिए अपना नाम से, क्योंकि अगर आप चौकीदार बन गए तो भारतीय जनता पार्टी को एक भी महिला का वोट नहीं मिलेगा। सही कहें हम तो बस इतना ही कहेंगे कि वाह मोदी जी वाह। और अब बात करते हैं देश के अन्नदाता की, किसान को ही चौकीदार बना दिया। जी हां, किसान 5 साल में इसकी हालत बद से बदतर हो गई। जानवरों, मवेशियों, सांडों, गायों के चलते अब वो किसान ना बनकर चौकीदार बन गया है। कैसे, आप खुद देखिए। क्या आप मानेंगे किसानों का जो पूरा दौर रहा है पिछले जब से आप रहे हैं, ये सबसे बुरा दौर मानेंगे या इससे भी बुरे बुरे दौर देखें आप? ये सबसे बुरा है साहब। क्या वजह है इसकी? इसकी वजह है साहब, नौकरी मोदी ने कहा था घर घर नौकरी होगी। हाँ। मोदी ने घर घर नौकरी दे दी। हाँ। क्यों दे दी? एक घर में 4 हैं। हाँ। 2 बच्चे पढ़े, 2 बूढ़े हैं बुजुर्ग। खेत में लगा दिए, ये पशु हैं, 8-8 घंटे की ड्यूटी करें। तो मोदी ने यह नौकरी दी हमें किसानों को, या नौकरी दी सब रंगा छोड़ते हुए इस नौकरी पर अमल कर आने, तो इसमें देखो किसका फायदा है। यही नहीं, इनकी चौकीदारी पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है। देखिए तो सही, ये समस्या जब से ये बीजेपी गवर्नमेंट आई है जब से ये समस्या बनी है। इससे पहले ये ज्यादा समस्या थी नहीं गाय की और सांडों की। काउशेड बनाया है आप लोगों ने, ये कैसे बना है, क्या क्या जरूरत पड़ी इसको बनाने की? जरूरत इसलिए है सर, आपके सामने है, देखो सामने खेत है हमारा ये, और देखो इसमें से गाय सब नुकसान कर रही है, चारों तरफ से सरसों हुआ, गेहूँ हुआ, जो कुछ है चारों तरफ से परेशान कर दी, दूसरी घटना कर दी 2 गांव में। तो इसलिए प्रधान के द्वारा हमने समर्थन करके इकट्ठा करके पब्लिक को और ये व्यवस्था की है। अगर आपको गाय बेचनी है, जरूरत पड़ गई, तो व्यापारी कोई आपकी गाय नहीं लेगा, चाहे आपकी गाय दे रही है 20 लीटर दूध। क्यों? गाय ले जाएंगे गौवंश वाले और तुरंत मार देते हैं। मान के गौ रक्षक में गाय ले जा रहा काटने के लिए, मार दिया, गाय का व्यापार भी नष्ट कर दिया। मेरे गांव में से कोई गाय खरीदने वाला पैदा नहीं है, मेरे घर पे बंधी हुई है गाय,
अभी तक कोई व्यापारी उसे लेने के लिए तैयार नहीं है। बोला ले जाएंगे, रस्ते में मार देंगे हमें, गौरक्षक आतंकवाद फैला रहे हैं गौरक्षा के नाम पर। तो क्या इन बेबस किसानों की आवाज आपने सुनी? क्या भारत सिर्फ शहरों और टेलीविजन स्टूडियोज में बसता है? ऐसे में मोदी जी, किसानों को चौकीदार बनाना उनकी तौहीन नहीं है? वैसे सच बताऊं तो बीजेपी और मोदी जी बहुत क्यूट हैं। नौकरियां दे नहीं पाए, नौकरी के नाम पर पकोड़ा जुमला दे दिया। जिनकी नौकरियां थी वो नौकरियां चली गईं। जी हां, इसीलिए बेरोजगार को भी आपने चौकीदार बना दिया। कैसे? पहली बार हुआ जब बीएसएनएल के 1.76 लाख कर्मचारियों को कई महीनों तक सैलरी नहीं मिली। पहली बार हुआ कि देश का गौरव माने जाने वाले स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के जो मजदूर थे, जिन्हें पिछले 3-4 महीने से सैलरी नहीं मिली और वो हड़ताल पर चले गए। ये पहली बार हुआ कि नरेगा के मजदूरों ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एफआईआर तक दर्ज कर दी 420 के अंतर्गत। तो क्या कहा जाए, बेरोजगार भी चौकीदार है? यही नहीं दोस्तों, एचएएल को, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 1,000 करोड़ रुपए लेना पड़ा अपने तमाम मुलाजिमों को सैलरीज देने के लिए। पहली बार हुआ जब एयरफोर्स नेवी में जबरदस्त फंड क्रंच का उन्हें सामना करना पड़ा। तो ये तमाम चीजें हुई ना पिछले 5 सालों में। ऐसे में आपने बेरोजगार को, या ये कहा जाए जो काम कर रहा है, उसे भी चौकीदार बना दिया। वाह मोदी जी वाह। और अब बात प्रोपेगेंडा की। जी हां, मैं भी चौकीदार में छुपे प्रोपेगेंडा की। दोस्तों, इस बात में आपको बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए कि यह एक राजनीतिक बयान है, मैं भी चौकीदार, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किस बात को लेकर हमला हो रहा था, चौकीदार ही चोर है, लिहाजा उन्होंने पूरे देश को चौकीदार बना दिया। अब इस प्रोपेगेंडा में कोई और नहीं बल्कि कई पत्रकार भी शामिल हो गए। यह नजारा देखिए ना। जी हां, ये सभी मानो इन्हें समझाया गया है, मानो इन्हें डिक्टेट किया गया है कि आओ भैया हमारे प्रोपेगेंडा में शामिल हो। दोस्तों, मैं मानता हूं कि पत्रकार भी चौकीदार है, मगर मेरा सवाल इन तथाकथित चौकीदारों से, अगर पत्रकार चौकीदार है तो वो चौकीदार है सत्य का, अगर पत्रकार चौकीदार है तो वो चौकीदार है विश्वसनीयता का, अगर वो पत्रकार चौकीदार है तो वो चौकीदार है सत्ता में बैठे ताकतवर व्यक्ति से जवाबदेही हासिल करने का। मगर क्या इन पत्रकारों ने सत्ता में बैठे जो ताकतवर लोग थे उनसे किसी भी तरह के सवाल पूछे? क्योंकि पिछले 5 सालों में क्या हो रहा है, पिछले 5 सालों में भी विपक्ष ही सत्ता में बैठी हुई है। ये तमाम जो पत्रकार हैं, ये जो तमाम न्यूज चैनल्स हैं, अब भी विपक्ष से ही सवाल पूछते हैं। तो क्या ये पत्रकार वाकई चौकीदार हो सकते हैं, या ये कहा जाए कि ये पत्रकार शाटुकार हैं? क्योंकि आपने ये सवाल तो पूछे ही नहीं, आखिर किसने पुलवामा के वीर जवानों की हत्या की, वो शहीद हुए, कैसे आतंकवादी 300 किलोग्राम विस्फोटक लेकर पहुंचा, और अगर ये धमाका हुआ तो चौकीदार बेबस और नाकाम क्यों ना साबित हुआ? क्या इन चौकीदारों ने सवाल पूछा कि क्यों भारतीय जनता पार्टी शहादत पर सियासत करती रही और उसे रोका नहीं गया, उससे सवाल नहीं किया गया? क्यों मोदी जी ने अब तक पाकिस्तान में कैद रहे विंग कमांडर अभिनंदन से मुलाकात नहीं की, वो अभिनंदन जिससे हम सबके दिल की भावनाएं जुड़ी हुई थीं? ऐसे में पत्रकार चौकीदार है या चाटुकार है? दोस्तों, इन तमाम पत्रकारों से ज्यादा हिम्मत तो इस युवा में। आप देखिए किस तरह से एक न्यूज डिबेट में ये भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता है उससे सवाल पूछ रहा है। आप कहते हैं कि आप पकोड़े बेचिए, फिर आप कहते हैं चौकीदार, चौकीदार को हम नेपाल से अच्छा और सस्ता ले आएंगे, देश को प्रधानमंत्री की जरूरत है। और दूसरी बात सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके लिखा कि मेरे जन्म होने से पहले ये देश साफ सफेदों का था। तो मैं प्रधानमंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि जब उनका जन्म हुआ तब हमने भाभा परीक्षण केंद्र बना चुके थे, और जब वो गिल्ली डंडा खेलने थे ना तब हम भाखड़ा नागर डैम बना चुके थे। तो इसलिए देश का विकास। और अगर वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप चौकीदार हैं, और अगर आप कामयाब चौकीदार हैं, तो इस मां के सवालों का जवाब दीजिए। यह नजीब की मां। इसका आरोप है कि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के चलते
इसका बेटा गायब है। इसका बेटा कहां है मोदी जी? इस सवाल का जवाब कोई क्यों नहीं देता? क्योंकि इसी नजीब की जगह अगर कोई प्रशांत रमेश होता तो मीडिया ने न जाने से कितना बड़ा मुद्दा बना दिया होता। मगर आज ये मां इसके नजीब होने की सजा भुगत रही है। कहां है इस मां का नजीब और कहां है वो तमाम चौकीदार जो हमारे हिफाजत की बात करते हैं? तो क्या मैंने कुछ गलत कहा? तो न्यूज चक्र में बस इतना ही, और मेरी आपसे अपील कि हमारे इस खास शो को, जिसमें हमने कहा कि मैं भी चौकीदार नहीं बल्कि चौकीदार बेबस है, इसे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे लाइक करें, शेयर करें और न्यूज क्लिक को सब्सक्राइब करें। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।